हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया है। जी हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक हम के बारे में। जबकि हमें पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस की वजह से हमारे एक स्लीपिंग पोजिशन से लेकर हमारे उठने बैठने चलने फिरने की पोजिशन तक हम लोग का अगर पोस्चर स्ट्रेट नहीं होता या हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं होता तो हमें जिस प्रॉब्लम से नुकसान उठाना पड़ता है वो है जी नेक हम, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूं, इसके रीजंस हम लोग को पता चले कि इसके रीजंस क्या हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे शोल्डर्स में पेन हो गया और फ्यू मंथ्स के बाद जब वो देखते हैं तो उधर हम्प बनना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो बैक स्ट्रेट नहीं होती और ये पेन जो होती है वो एक आगे तक बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कंट्रोल कैसे करना है, अपने इस हम्प को हम लोगों ने कैसे कम करना है, कैसे हमने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। सबसे पहले तो हमें अपने देखेंगे कि हम लोग सोते किस तरह के हैं, हम लोग अपने तकिए का यानी कि अपने पिलो का पोजीशन किस तरीके से रखते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उन चीज़ों पे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस हैं उसके, एंड देन वी टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। सो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रीजन वन जो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है, अपना स्लीपिंग पोजिशन। सब कुछ लोगों को पिलो पर सोने की आदत होती है, कुछ लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट सोने की आदत होती है। तो अगर तो आप लोग पिलो पर सो रहे हैं तो उससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले अपना पिलो चेक करना है कि हम लोग किस पोजीशन से सो रहे हैं। अपना पिलो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं रखना, अपना पिलो एंड शोल्डर को इक्वल करके हम लोगों ने सेंटर में रखना है ताकि हम लोग एक स्ट्रेट पोजीशन में सोएं। और इसके अलावा जो एक हम लोग का मोबाइल यूज़ करने का, कंप्यूटर या कोई रीडिंग करने का हम लोग का जो पोस्चर होता है, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि हमारी अगर बैक स्ट्रेट होगी तो हमारे ये शोल्डर इक्वल रहेंगे। ठीक है, और हम लोग जब बैठते हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठें ताकि ये हम्प जो है वो ना बने। और जब हम लोग बिल्कुल इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे या इस पोजीशन में हम लोग उस चीज़ को हम लोग ऊपर करके देख सकते हैं। अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम अपनी बुक को या अपने हम लोग अपने मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को हम उस पोजीशन पर रख सकते हैं ताकि हमें किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने बैठने के, सोने के पोजीशंस को ठीक करना है, जिसकी वजह से ये हम बनता है। मेन रीजन सिर्फ यही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नेक हम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो फ्यू एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऑलमोस्ट अपनी काफी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने फेस से लेकर अपने टो तक मसाज करें तो उसको आपको सिर्फ बेनिफिट ही मिलेंगे। तो मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करें कि अपनी बैक की मसाज जो है वो ऑलिव ऑयल से करें, जो जहां पे अगर आपका हम्प है तो उसको ट्राई करें कि उसको आप मसाज से अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने की कोशिश करें। जितनी थंब के साथ प्रेशर आपका बनेगा उतना आपका जो हम बन रहा है वो स्लोली स्लोली जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बात आती है जी, फ्यू स्टेप है एक्सरसाइजेस के। अगर हम डेली बेसिस पे वो करते हैं तो हमें ना सिर्फ ये हमारा हम जो है वो ठीक होगा, बल्कि हमारा जो एक बैठने का पोजीशन है हम लोग उसको भी एक उस रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग अपने पोजीशन को ठीक कर सकते हैं ताकि हम लोग अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। बैक स्ट्रेट रहेगी तो हम इस तरह के प्रॉब्लम से, इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ्यू एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जो कि इसी हवाले से हैं, हम लोग अपने बैक को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं, हम अपनी इस हम से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर करने लगी हूँ। इस एक्सरसाइज का एक सिंपल पोस्चर है जो कि आप लोग रिमेम्बर रख सकते हैं जी, WYNT। ठीक है, इसका हम लोगों ने पोस्चर बनाना है जो कि हमारे ये शोल्डर्स को स्ट्रेट करेगा, हमारी बैक को स्ट्रेट करेगा और हमारे इस हम को डिसॉल्व होने में, इसको कम करने में या इसको खत्म करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, जिस तरीके से ये एक्सरसाइज का नाम है W, तो हम लोगों ने अपने बाजुओं से ऐसे W बनाना है और ट्राई करना है कि अपनी चेस्ट को थोड़ा स्ट्रेट रखें एंड अपने आर्म्स को जो हम लोगों ने बैकवर्ड की तरफ हम लोगों ने पुल करना है जितना हो सकता है, ये एक हमारी
W की पोजिशन है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इसी तरीके से 5 to 10 मिनट्स कर सकते हैं। आप ये अपनी प्रैक्टिस पे कर सकते हैं कि आप कितना जो है आप लोगों में स्टेमिना है, आप लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से जी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम लोगों ने जी इसको 5 से 10 मिनट करते हुए हम लोगों ने बनाना है वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा वाई, ये भी हमारे शोल्डर्स को जो है वो स्ट्रेट करता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी आप अपने प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो ट्राई करें, बैकवर्ड फ्रंट। अप करना है फिर डाउन, इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को मूव करना है एंड देन वी कैन नॉर्मल इन, वी कैन कम टू नॉर्मल पोजीशन। जी ये है जी फ्यू, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप मुझे कोई सा भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो यू कैन कमेंट बिलो। And yes, subscribe to my channel and click the bell icon. I'll see you in my next video. Till then, bye.